हेलो फ्रेंड, एजुकेशन जॉब अपडेट यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। कार्यालय नगर परिषद जहानाबाद के लिए संविदा के आधार पर नियोजन हेतु सूचना 30 सितंबर 2021 अपराह्न 5 बजे तक निर्धारित डाक स्पीड पोस्ट द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। जैसे कि यहां पे बताया जा रहा है, पदनाम, पदों की कुल संख्या, आरक्षण, मानदेय, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र। तो सामुदायिक संगठन CECOS 02, सामान्य वर्ग 1 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1, अधिकतम समेकित परिश्रमिक 15,000 रुपये प्रतिमाह, शैक्षणिक योग्यता कम से कम किसी भी विषय में इंटर 10+2, अनुभव सामाजिक विकास पर सामुदायिक के साथ साथ कार्य करने का कम से कम 5 वर्षों का अनुभव जीविका के द्वारा होना चाहिए या किसी भी संस्था के द्वारा होना चाहिए। NUMLM परस्तर कार्यक्रम क्षेत्र CMM, सामुदायिक मोबिलाइजर, सामुदायिक संगठन, सामुदायिक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। MS ऑफिस, MS एक्सेल, पावर पॉइंट की दक्षता आवश्यकता होनी चाहिए। 11 सितंबर 2021 का अपडेट दिया गया है। यहाँ पर आपको ईमेल भी दिया गया है, इस ईमेल के माध्यम से आप उसे संपर्क कर सकते हैं। विज्ञापन से संबंधित विस्तृत जानकारी कार्यालय अवधि के नगर परिषद जहानाबाद की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको इस चीज़ की जानकारी मिल सकती है। विज्ञापन नगर परिषद वारिसलीगंज से दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार पटना के मार्गदर्शिका के अनुसार एक कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर CUS का नियोजन 11 माह के अनुबंधन पर किया जाना है। सेवा संतोष पद होने पर अवधि विस्तृत किया जा सकता है। जैसे कि आप सभी को पता है, बायो डाटा के अंतर्गत इस चीज़ की जानकारी मिल सकता है। सामुदायिक संगठन हेतु आवेदनकर्ता MS ऑफिस और MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में जानकारी होना चाहिए। अधिकतम आपको सैलरी यहाँ पे 15,000 रुपये दिया जाएगा। चयन की प्रक्रिया उच्च स्तरीय शैक्षणिक योग्यता एवं कार्य अनुभव पात्रता मापदंडों के आधार पर बायोडाटा जांच तथा लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार से प्राप्त अंकों के आधार पर गठित चयन समिति द्वारा चयन की जाएगी। आम सूचना के अंतर्गत यहां पे आपको वेबसाइट दिया गया है, जैसे कि भोजपुर और नालंदा का जिला लिंक यहां पे एक्टिवेट किया गया है। उसके बाद यहां पे आप लोगों के लिए दिया गया है भोजपुर में नालंदा, यहाँ पर पटना लिंक, भोजपुर नालंदा का लिंक, गोपालगंज का यहाँ पे लिंक दिया गया। इसी हिसाब से आपको लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोग ज़रूर देख लें और मेरे एजुकेशन जब अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इतना शेयर करें ताकि यह वीडियो सभी के पास पहुँच जाए। फिलहाल आप लोगों से विदा चाहता हूँ, मैं मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।